दोस्तों आईपीएल 2024 के एडिशन के लिए आरसीबी की टीम ने एंडी फ्लावर को अब यहाँ पर हेड कोच के रूप में चुन लिया। इसके साथ ही अब एबी डिविलियर्स की भी इस टीम में यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। दरअसल एबी डिविलियर्स अब मेंटोर के तौर पर इस टीम में आ चुके और मेंटोर बनते ही यहाँ पर एबी डिविलियर्स का यहाँ पर काफी बड़ा स्टेटमेंट निकल कर है। काफी बड़ा इन्होंने यहाँ पर बयान दिया, आपको इस वीडियो में इनके स्टेटमेंट के बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो एबी डिविलियर्स अब यहाँ पर आरसीबी की टीम में मेंटोर के तौर पर फाइनलाइज हो चुके। एंडी फ्लावर और डिविलियर्स की जोड़ी हमें यहाँ पर काम करती हुई इस साल यहाँ पर आरसीबी के लिए दिखी और यहाँ पर एबी डिविलियर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि विराट कोहली इसके साथ ही एंडी फ्लावर इसके साथ ही मैक्सवेल फेफ डुप्लेसिस के साथ काम करने के लिए काफी अधिक एक्साइटेड और आरसीबी में अब 2-3 साल बाद लौट कर ये काफी अधिक खुश है। इसके साथ ही डिविलियर्स ने यह भी कहा कि क्रिस गेल को यहाँ पर आरसीबी का बल्लेबाज कोच बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, यानी क्रिस गेल को शायद इस टीम का बैटिंग कोच ये अब यहाँ पर नियुक्त कर दे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी की टीम यहाँ पर अब इतने तगड़े कोचेज और इतने तगड़े प्लेयर्स के बाद आखिर आईपीएल 2024 के एडिशन में विनर बन पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।